नमस्कार। आज हम फिर आज एक पैसेज पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे आप। इसका पैसेज सिग्निफिकेंस ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश द ग्लोबल लैंग्वेज। ग्लोबल लैंग्वेज मीन द लैंग्वेज विच इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ग्लोबल लैंग्वेज ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबल लैंग्वेज। In present day global community, communication has a significant role to play in all walks of life. In all walks of life, in all spheres of life. Sorry. In all spheres of life, in all walks of life. कोई भी मतलब जो भी फील्ड होता है जिंदगी का, एजुकेशन, बिजनेस, ट्रेड, एनीथिंग, एंटरटेनमेंट, जो भी फील्ड होता है उसको कहते हैं इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, फार्मिंग एटसेट्रा। ग्लोबल कम्युनिटी, अ कम्युनिटी जो हमारा पूरा ग्लोबल, ग्लोब तो कहते समझते हैं आप, ग्लोबल पूरी दुनिया वर्ल्ड। तो कम्युनिटी इसलिए कह रहे हैं कि जो ड्यू टू दिस यू नो रेवोल्यूशन इन कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन में, की वजह से जो सब करीब आ गए हैं, सब दूर दूर नहीं रहा, कुछ ऐसा नहीं रहा कि भाई महीनों लगते हैं इंडिया से अमेरिका जाने या इंडिया से इंग्लैंड जाने में, पहले महीनों लग जाया करते थे। ऐसा तो है नहीं, अब फ्यू आवर्स इन, इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू आवर्स ओनली नाउ डेज टू रीच टू मुंबई और अमेरिका और यूरोप एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसलिए ग्लोबल कम्युनिटी मतलब कम्युनिटी की तरह हो गया, जैसे आपको नहीं होता आसपास के लोग होते हैं उसको कम्युनिटी कहते हैं, स्मॉल कम्युनिटी। तो पूरा ग्लोब जो है वो सिमट के रह गया है एक छोटा सा। उसमें इस ग्लोबल कम्युनिटी में जो कम्युनिकेशन का, जो आदान प्रदान का जो मीन्स होता हैज़ ए सिग्निफिकेंट रोल टू प्ले इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। जितने भी हमारे ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ हैं उसमें बातचीत करने का जो होता है ना, कम्युनिकेशन का बहुत ही एक अहम हिस्सा, एक बहुत ही अहम रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन द बिजनेस एंड प्रोफेशनल स्फीयर्स पर्टिकुलरली वैल्यू एंड थ्राइव ऑन कम्युनिकेशन। थ्राइव कहते हैं टू ग्रो टू बिकम स्ट्रॉन्ग एंड यू नो सक्सेसफुल। थ्राइव एंड वैल्यू, दीज टू आर वर्ब्स। वैल्यू नाउन भी होता है लेकिन यहाँ वर्ब है वैल्यू। द बिजनेस एंड प्रोफेशनल स्फेयर्स, जो बिजनेस और प्रोफेशनल का जो स्फेयर है, जो स्फेयर्स होते हैं जैसे कि टीचिंग हो गया आपका, इंटरनेट कनेक्टिव मतलब इंटरनेट और ऑनलाइन जितने बिजनेस वगैरह हैं वो हो गए आपके, और या फिर बिजनेस बड़े बड़े बिजनेस होते हैं उन सब में जो पर्टिकुलरली जो जो मेन जो कम्युनिकेशन का रोल होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो थ्राइव करता है, वो उसको वैल्यू करता है, बढ़ाता है उसकी वैल्यू, इन्हेंस द वैल्यूज ऑफ एनी प्रोफेशन और बिजनेस। द मीडियम ऑफ विच इज प्रीडोमिनेटली इंग्लिश। और हम जानते हैं कि जो जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं या प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ हैं, उन सब की जो डोमिनेंट जो मेन लैंग्वेज है वो क्या है, इंग्लिश। तो इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट वे। कंसिडरिंग द ग्लोबल नेचर ऑफ द कॉरपोरेट वर्ल्ड, जो भी कॉरपोरेट वर्ल्ड जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं उसको कहते हैं कॉरपोरेट वर्ल्ड, उनकी जो नेचर है सब दुनिया में फैला हुआ है काम, तो उनके लिए एक ऐसा लैंग्वेज की ज़रूरत है जो कि एक ब्रिज लैंग्वेज की तरह हो सके, एक लिंक लैंग्वेज की तरह हो। ऐसा तो नहीं है कि चाइना में जाएंगे तो आप चाइनीज़ बोलेंगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू लर्न ईच एंड एवरी लैंग्वेज ऑफ ईच एंड एवरी कंट्री और ईच एंड एवरी रीजन। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है साउथ इंडिया में, आप वहाँ जाते हो आप कन्नड़ सीख लोगे, चलिए अब 6 साल के बाद, क्योंकि इफ़ यू आर इन गवर्नमेंट जॉब तो आफ्टर 6 ईयर्स यू मे बी ट्रांसफर टू सम अदर प्लेस इन बंगाल, तो विल यू बी लर्निंग बंगाली। तो उसमें मतलब सीख सकते हैं लेकिन मुश्किल होगा बहुत। तो अच्छा तरीका ये होगा ऐसा लैंग्वेज जो कि सभी जगह समझी जा सके, सभी जगह बोली जा सके, वो लैंग्वेज लिंक लैंग्वेज होती है, वो इंग्लिश है। आप कहीं भी जाइए इंग्लिश में आप बात कर सकते हो, तो इसको कहते हैं लिंक लैंग्वेज, लिंक। कंसिडरिंग द ग्लोबल नेचर ऑफ द कॉरपोरेट वर्ल्ड, वन कैन अप्रोप्रिएटली से दैट इंग्लिश इज द अनडिस्प्यूटेड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। अनडिस्प्यूटेड व्हेन देयर इज नो डाउट, डेफिनेट नो डाउट, एवरीबडी इज अग्री, एवरी अग्रींग ऑन दिस थिंग कि भाई इंग्लिश जो है वो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। कहीं भी जाइए इंग्लिश समझी जाती है, इंग्लिश बोली जाती है, इसलिए इंग्लिश को सीखना जरूरी है। वंस प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश इज अ मेजर फैक्टर ऑफ कंसिडरेशन एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ वर्क। ऑल लेवल्स ऑफ वर्क, चाहे मैनेजर हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे सुपरवाइजर हो, एनी एनी लेवल ऑफ वर्क में जब भी किसी में अपॉइंटमेंट होगा, किसी की भर्ती होगी या कुछ कंसिडर किया जाएगा उसकी पोस्ट को, तो उसको देखा जाएगा उसकी इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी, एफिशिएंसी, इंग्लिश में उसके कंफर्ट लेवल क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है, प्रोफिशिएंसी, ठीक है, एबिलिटी। फ्लुएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज इज
फ्लुएंसी मीन स्मूथनेस, स्मूथनेस विथ विच यू स्पीक ए लैंग्वेज, स्मूथनेस एंड द कंफर्ट, फ्लुएंसी इन इंग्लिश इज, फ्लुएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज इज एसेंशियल इफ ए बिजनेस हैज टू मेक एनी एडवांसमेंट इन द ग्लोबल मार्केट. तो फ्लुएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज इज एसेंशियल इफ ए बिजनेस हैज टू मेक एनी एडवांसमेंट इन द ग्लोबल मार्केट. अगर ग्लोबल मार्केट में कोई भी बिजनेस की सक्सेस का चाहता है, सक्सेसफुल होना, एडवांस होना, आगे बढ़ना, तो उसका जो एक प्राइम कंडीशन है, एक जो पहली शर्त है, वो ये कि उसमें इंग्लिश बोलने वाले लोग होना चाहिए उसमें, ताकि आप अपना प्रोजेक्ट, अपना बिजनेस प्लान समझा सकें, उन दूसरे का समझ सकें. बट दैट आई मीन दिस एज आई टोल्ड यू कि इन चाइना, इफ यू आर गोइंग टू चाइना, इट इज़ नॉट यू नो पॉसिबल फॉर एवरी वन टू लर्न चाइनीज, राइट. तो उसमें इंग्लिश काम में आती है, ऐसी लैंग्वेज जो कि लिंक लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही है. दिस हैज़ बिकम द ट्रेंड इन इंडिया एवर सिंस द ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. जब से इंडियन इकोनॉमी का ग्लोबलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन पहले तो क्लोज इकोनॉमी थी, जस्ट लाइक रशिया. लेकिन जब से हमने शुरू करा कि दूसरे कंट्रीज से ट्रेड वगैरह का, हमने व्यापार ट्रेड वगैरह स्टार्ट करा, तो उसमें क्या हुआ कि इंग्लिश की ज़रूरत पड़ी. ये एक ट्रेंड बन गया, एक तरीके से एक टेंडेंसी हो गई कि भाई इंग्लिश जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी एग्जीक्यूटिव को आप भेजते हो कहीं भी किसी फॉरेन लैंड में, तो दैट दैट एग्जीक्यूटिव शुड नो द लैंग्वेज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन. जैसे मैंने आपको बताया, इट इज़ नॉट प्रैक्टिसेबल कि सब कुछ सीख लें आप, तो उसमें कोई ऐसा लैंग्वेज चूज़ किया जाए जो कि ऐसा कॉन्सेंसस हो, ऐसा कॉन्सेंसस हो ऐसी लैंग्वेज पे जो सब जगह बोली जाए, वो इंग्लिश है. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. इंग्लिश डोमिनेट्स आर एंटायर सोशल इन्वायरमेंट. जो सोशल इन्वायरमेंट है ना हमारा, जितने भी सोशल समाजी जो इन्वायरमेंट है, बैकग्राउंड इन्वायरमेंट है, उसमें भी इंग्लिश ही डोमिनेट्स करती है. इंग्लिश ही मैन लैंग्वेज है. बी इट मेजर जर्नल्स, चाहे जर्नल्स कितने हैं, कुछ मैगजीन्स वगैरह जो होते हैं, न्यूज़ पेपर वगैरह जर्नल्स कहलाते हैं, और एडवर्टीजमेंट्स एंड होर्डिंग्स. होर्डिंग्स बिग बोर्ड, यू माइट हैव सीन ह्यूज बोर्ड्स ऑन रोड, दैट इज कॉल्ड होर्डिंग्स. एंड एडवर्टीजमेंट विच यू सी एंडोर्समेंट इन न्यूज पेपर इज कॉल्ड एडवर्टीजमेंट्स. एडवर्टीजमेंट एंड होर्डिंग्स, एयरपोर्ट्स और अकेडमिक सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसिस. द मोस्ट कॉमनली यूज लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन इज इंग्लिश. ये कोई भी एरिया हो, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, हम जैसे बताया था आपको, तो ये सब आ गए. जर्नल्स हों, एडवर्टीजमेंट्स हों, होर्डिंग्स हों, एयरपोर्ट्स, अकेडमिक सेमिनार्स हों, जहाँ पर मतलब अकेडमिक सेमिनार्स हों, कॉन्फ्रेंसिस हों, इन सब में जो लैंग्वेज होती है, मेजर लैंग्वेज जो आदमी डिस्कोर्स करता है, जो कम्युनिकेट करता है, जो डिस्कस करता है, वो इंग्लिश में ही होता है मेनली, बिकॉज इट इज़ इजीली अंडरस्टूड बाई ईच एंड एवरीबडी, दैट्स वाई. In fact, in a country like India, which has diverse, different variety, diverse official and regional languages, dialects and scripts. Script style of writing of any language is called script. Devanagari, Hindi, Urdu, English, Roman, right? Devanagari scripts कहलाते हैं, जो लिखते हैं आप उसको style को, उस शैली को. अच्छा, ये कहता है कि इंडिया जैसा जो हमारी कंट्री डाइवर्स है, बोरी ह्यूज कंट्री, बिग कंट्री, इसमें डाइवर्सिटी है, सब हर लैंग्वेज में हर 10-15-20 किलोमीटर पर डायलेक्ट चेंज हो जाता है. अगर यूपी जाएं आप तो हर 20-25-30 किलोमीटर पर डायलेक्ट चेंज हो जाता है, स्क्रिप्ट चेंज हो जाती है. तो इस ऐसी कंट्रीज़ में बहुत ज़रूरी है कि ऐसा लैंग्वेज जो कि सबको अंडरस्टैंडेबल हो, जो सब जिसको समझ सकें, जिस सब जिसमें कम्युनिकेट कर सकें, अदरवाइज इट विल बी डेड लॉक. कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो देयर शुड बी अ लैंग्वेज विच एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट इन. In fact, in a country like India, which has diverse official and regional languages, dialects and scripts, the English language has become, which I think something has gone wrong here, has become. The English, yeah, I think, okay, it's all right, becomes, it's a fact. The English language becomes binding force and the common language for the purpose of ट्रेड, बिजनेस एंड एजुकेशन. एजुकेशन एजुकेशन वन थिंग. तो ऐसी कंट्री हमारी जैसी, जैसा हमारा कंट्री है, जिसमें कि हर किलोमीटर, हर 20-30 किलोमीटर पर चेंज हो जाता है, डाइवर्स मतलब डाइवर्सिटी है लैंग्वेजेस के अंदर, रीजनल डायलेक्ट्स वगैरह में, तो ऐसे ऐसे संदर्भ में इंग्लिश को जानना बहुत ज़रूरी है. इंग्लिश हो जाती है, बन जाती है बाइंडिंग फोर्स, अ फोर्स दैट बाइंड्स एवरीबॉडी, कनेक्टिंग फोर्स.
जोड़ती है, जो जोड़ देती है सबको, वो इंग्लिश हो जाती है। चाहे ट्रेड हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे एजुकेशन हो, तो इंग्लिश एक बाइंडिंग फोर्स बन जाती है। इसकी इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। टुडे इंडिया इज अ मेजर प्लेयर इन द ग्लोबल ट्रेड एरिना। एरिना कहते हैं पहले कि जहाँ कोई गेम्स वगैरह होते थे, कॉम्पिटिशन्स वगैरह, स्पेशली इन एंशंट एंशंट ग्रीस, तो एक एक कॉम्पिटिशन वगैरह हुआ करते थे, उसको एरिना कहते हैं। एरिना होता है एक पूरा, एक उसको एरिना कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये भी कॉम्पिटिशन से, और ट्रेड बिजनेस भी एक कॉम्पिटिशन, एक सॉर्ट ऑफ कॉम्पिटिशन, तो राइटर ने यूज़ किया एरिना। टुडे इंडिया इज़ अ मेजर प्लेयर इन द ग्लोबल ट्रेड एरिना एंड हैंस द इंडियन इंडस्ट्री मस्ट रिकग्नाइज द इंडिस्पेंसिबल इसेंशियल। इंडिस्पेंसिबल समथिंग विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, इसेंशियल। इट्स इंडिस्पेंसिबल नीड टू अडेप्ट टू एन इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज। वो कहता है कि इंडिया, आज के इंडिया में जो कि एक बहुत ज़्यादा एक अहम रोल अदा कर रहा है ट्रेड एरिना के अंदर इंटरनेशनली, उस संदर्भ में, उस पर्सपेक्टिव में इंग्लिश का जानना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश इंडिस्पेंसिबल हो जाती है, इंडिस्पेंसिबल इसेंशियल हो जाती है, इसेंशियल। और वी नीड टू अडेप्ट टू इट, हमको, वी शुड मेक आर सेल्फ फेमिलराइज, कम्फर्टेबल विद दिस, फेमिलराइज, गेट यूज टू अडेप्ट, गेट यूज टू समथिंग, अडेप्ट। अडेप्ट, अडेप्ट अलग होता है कि अडेप्ट, अडेप्ट इज एक्सपर्ट, इज अडेप्ट, एक्सपर्ट इज इन समथिंग, अडेप्ट, अडेप्ट एट, अडेप्ट एट मैथ्स वगैरह वगैरह। टू एन इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज, स्टैंडर्डाइज सब जगह मान्य हो, जो स्टैंडर्डाइज, जैसे कि किलोग्राम का एक होता है ना, एवरी वेयर किलोग्राम इज स्टैंडर्डाइज वेट, सब जगह ये एक्सेप्टेबल है। तो ऐसा लैंग्वेज की ज़रूरत है जो कि सब जगह एक्सेप्ट हो, वो इंग्लिश है, दैट इज़ इंग्लिश। नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस, इंग्लिश इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन एकेडमिक्स टू इन्हांस द स्कोप एंड एडवांस द इंटरेस्ट ऑफ द स्कॉलर्स हु विश टू परसू रिसर्च एंड हायर स्टडीज अब्रॉड। वो कहते हैं कि इंग्लिश सिर्फ बिजनेस में, बिजनेस ट्रेड एंड बिजनेस में ही ज़रूरी नहीं है, इसका महत्वपूर्ण, इसकी महत्वता इसमें ही नहीं है खाली इन दो में, बल्कि वो स्कॉलर्स जो पढ़ते हैं, जो चाहते हैं, जो परसू करते हैं हायर स्टडीज़ अब्रॉड, उनको भी इंग्लिश की ज़रूरत है। क्योंकि सब कुछ जो लिटरेचर होता है, या कुछ साइंस का जो बुक्स होता है, या जो भी जितने भी मटेरियल होता है, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, मोस्टली इन इंग्लिश। तो दे शुड नो इंग्लिश वेरी वेल। तो विश टू परसू, टू फॉलो, कंसिस्टेंटली फॉलो समथिंग इज कॉल्ड परसू रिसर्च एंड हायर स्टडीज़ अब्रॉड। जो बाहर जाते हैं काम कर, अब्रॉड जाते हैं, फॉरेन लैंड्स में जाते हैं, कंट्रीज़ में जाते हैं, रिसर्च करते हैं, आगे की पढ़ाई करते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि इंग्लिश में, इंग्लिश की जानकारी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ऑल द वर्क्स आर इन इंग्लिश। बिसाइड्स, ऑलमोस्ट ऑल मेजर वर्क्स ऑफ लिटरेचर, साइंस, फिलोसफी एट्सेट्रा हैव बीन ट्रांसलेटेड और रिटन इन इंग्लिश। इसके अलावा जितने भी है ना, जितने लिटरेचर है, साइंस है, फिलोसफी, जो भी है, वर्क्स लिखे गए हैं ना, पूरे ट्रीस्टीज वगैरह, सब इंग्लिश में लिखी गई हैं, तो ट्रांसलेट कर ली गई हैं उसको, या इंग्लिश में लिखी गई हैं। From this point of view also, the knowledge of English is must. Everybody should, otherwise you will lag behind. So we should, in order to be abreast with the changing time, we should know this linking language. That is English. Let's move to the next slide, and which is sorry. We have jumped to the last slide. Now let us move. Yeah. Hence, it is of utmost importance that English is encouraged as the medium of instructions and is not looked down upon or discarded as the language of colonizers. इसलिए, that's why, therefore, it is of utmost, जो भी बताया पहले reasons. उसके बाद ये ज़रूरी है जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ में बताते हैं कि सब कंक्लूडिंग पैराग्राफ में पूरा एक जस्ट दाद पूरा पूरा एक कंक्लूडिंग एक पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द राइटर इज देयर इन दिस पैराग्राफ। हैंस इट इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इंग्लिश इज़ एनकरेज, इंग्लिश को बढ़ावा दिया जाए, प्रोत्साहन किया जाए, इनक्रेज किया जाए, एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो स्कूल्स में पढ़ाया जाता है बच्चों को, वो इंग्लिश में पढ़ाया जाए, एंड इज़ नॉट लुक डाउन अपॉन, और इसको किसी हकारत की नज़र से, इंसल्टिंग में, तुच्छ तरीके से नहीं देखना चाहिए। लुक डाउन अपॉन मतलब हकारत से देखना किसी को, इंसल्टिंग वे में देखना, तुच्छ तरीके की नज़र से देखना किसी को।
और डिस्कार्डेड, या इसको छोड़ दिया जाए, डिस्कार्डेड जेटिजंड, छोड़ देना, डिस्कार्डेड रिजेक्टेड, ना इसको रिजेक्ट किया जाए ना इसको देखा जाए हकारत की नज़र से, एज द लैंग्वेज ऑफ कॉलोनाइजर्स। लोग कहते हैं ना भाई ये तो अंग्रेजों की लैंग्वेज है, जो हमारे को हम पर रूल करते थे, कॉलोनाइजर्स करते, उनकी लैंग्वेज को क्या सीखना, लेकिन वो बात अलग है, वो तो ठीक करा, हम पर रूल करा, दैट्स ए डिफरेंट मैटर। लेकिन अब इसको देखिए इंपॉर्टेंस क्या है, वो इसको सीख कर इंग्लिश सीख कर, ऐसा तो नहीं कि हम दोबारा अंग्रेज़ों के गुलाम बन जाएंगे, हो सकता है कि हम अंग्रेज़ों को गुलाम बना लें। इंग्लिश अगर आपको हमारी अच्छी होगी और हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, तो वो विश्व गुरु के लिए कोई ऐसी लैंग्वेज तो होना चाहिए जिसमें कम्युनिकेट करें हम, तो लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन इज इंग्लिश। और लैंग्वेज जो होता है ना किसी की भी, इंग्लिश का जो इम्पोर्टेंस होती है वो उसकी ट्रेड, जो उसकी देखा जाता है कि वो ट्रेड से बिजनेस से उसकी कितना रिलेशनशिप है वर्ल्ड वाइड। तो संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, हिंदी हो गया, इसकी इतनी वैल्यू नहीं है। तो हम चाहे इंग्लिश, हमें संस्कृत इज़ वेरी स्वीट लैंग्वेज, वेरी ग्रेट लैंग्वेज, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अगर हम देखें कि जो दुनिया में चल रहा है उसको देखते हुए, जिससे कि ट्रेड चल रहा है, जिसके पे हम अपनी बात कह सकें दूसरे को, दूसरे की सुन सकें, अपना ज्ञान दूसरे को दे सकें, दूसरे का ज्ञान हम ले सकें, तो ऐसी लैंग्वेज होना चाहिए, दैट लैंग्वेज इज इंग्लिश ओनली। तो वी शुड नॉट फील लाइक, मतलब वी शुड नॉट हैव अ काइंड ऑफ एलर्जी टू इंग्लिश, वी शुड इंकरेज इट, रादर वी शुड इंकरेज इट। इट्स एन एफर्ट शुड बी मेड टू इंट्रोड्यूस दिस लैंग्वेज एट द ग्रास रूट्स लेवल्स, ग्रास रूट्स लेवल, ग्रास रूट समझते हैं, ग्रास कहते हैं घास को, घास का जो जड़ होता है, मतलब ज़मीनी, जो जैसे गांव देहात के अंदर होता है ना, गांव देहात के अंदर लोग होते हैं, उसको ग्रास रूट्स, ग्रास रूट्स कहते हैं, वही हो गया हमारे कम्युनिटी के अंदर ग्रास रूट्स लेवल। तो वहाँ भी हमें इंग्लिश को सिखाना चाहिए, ठीक है, लेवल्स ऑफ एजुकेशन, सो दैट द चिल्ड्रन ग्रो अप कम्फर्टेबल विथ इंग्लिश एंड दे डू नॉट हैव टू स्ट्रगल टू लर्न दिस लैंग्वेज फ्रॉम द स्क्रैच व्हेन दे रियलाइज ऑफन टू लेट दैट दिस लैंग्वेज इज इंडिस्पेंसेबल फॉर द एडवांसमेंट ऑफ देयर करियर्स। वो कहते हैं कि इसको हमें इंकरेज करना चाहिए ग्रास रूट लेवल पर, स्कूल्स में, प्राइमरी स्कूल्स वगैरह में, गांव देहातों में भी करना चाहिए। ये नहीं कि हमको सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स, कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ाना चाहिए, नहीं, बल्कि जो हमारे स्कूल हैं किसी भी लेवल के, छोटे बड़े, सब में सिखाना चाहिए, क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज। सो दैट क्यों सिखाना चाहिए हमें, सो दैट वाई, बिकॉज द चिल्ड्रन ग्रो अप कम्फर्टेबल, सो दैट द चिल्ड्रन, जो हमारे बच्चे हैं वो ग्रो अप कर सकें, ग्रो अप कर सकें कंफर्टेबल इस लैंग्वेज के साथ। दे शुड नॉट फील शाई ऑफ इट, वेन दे शुड नॉट फील एम्बेरेस इन द कंपनी ऑफ सम इंग्लिश स्पीकिंग पीपल आर देयर, दे फील शाई, दे फील एज दे हैव यू नो सेंस ऑफ इंफीरियर कॉम्प्लेक्स, तो दे शुड नॉट बी देयर। ग्रो अप कंफर्टेबल विद इंग्लिश एंड दे डू नॉट हैव टू स्ट्रगल, उनको स्ट्रगल ना करना पड़े, संघर्ष ना करना पड़े टू लर्न दिस लैंग्वेज, इंग्लिश सीखने के लिए फ्रॉम द स्क्रैच, शुरू से ही। जब कब, जब जब वो रियलाइज करते हैं, जब उनको पता चलता है इंग्लिश तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत दूर, जब वो रियलाइज करते हैं ना, जब आते हैं ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर आते हैं, या कॉलेज लेवल पर आते हैं, या फिर कोई कंपटीशन की तैयारी करते होते हैं, तो जब ये सोचते हैं कि इंग्लिश आना चाहिए, फिर स्टार्ट करते हैं वो लोग हेल्पलेसली कि भाई आपको सीखना है, तो ऑफन इट्स टू लेट, बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। वो टाइम जो उनको दूसरे सब्जेक्ट्स की तैयारी करने को लगानी चाहिए, वो इंग्लिश सीखते हैं, फिर इंग्लिश जो है दैट इज दैट दिस लैंग्वेज इज इंडिस्पेंसेबल। वो क्या रियलाइज करते हैं लेट, कि भाई ये तो लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर तो काम ही नहीं चलेगा, सारी बुक्स वगैरह इसमें अवेलेबल हैं, ठीक है, तो इसलिए ये वेरी इसेंशियल है, इंडिस्पेंसेबल, इंडिस्पेंसेबल इसेंशियल है, वो करते हैं रियलाइज लेकिन देर तक। तो उसको अवॉइड करने के लिए, ये सिचुएशन ना आए हमारे बच्चों के सामने कि उन्हें स्ट्रगल करना पड़े सीखने के लिए, स्ट्रगल करना पड़े लेटर स्टेज, तो हमें शुरू से स्टार्ट कर देना चाहिए ग्रास रूट लेवल पर, गाँव देहातों में, पंचायत लेवल पर। इट इज़ राइटली सेड, ये बहुत सही कहा जाता है, किसी ने भी कहा है, इंग्लिश कैन ओपन विंडोज टू अपॉर्चुनिटीज एंड सो इट मस्ट बी प्रोमोटेड रादर देन रजिस्टर्ड एंड स्टाइफल्ड। रजिस्टर्ड और स्टाइफल्ड, एंड स्टाइफल्ड, स्टाइफल्ड कहते हैं किसी का गला घोट देना, कहते हैं ना स्टाइफल करना है, किसी को दबा देना, सबड्यू कर देना, स्टाइफल। वो बोलते हैं कि भाई किसी ने सही कहा है कि इंग्लिश जो है वो खोल सकती है एक दरवाजे, विंडो खोल सकती है अपॉर्चुनिटीज के लिए, नए नए अपॉर्चुनिटीज के लिए दरवाजे खोल देगी वो, और इसलिए इसको प्रमोट करना चाहिए, हमें प्रमोट करना चाहिए, ना कि इसको रजिस्ट करना चाहिए, या इसको और सबड्यू करना चाहिए, इसको रोकना चाहिए, इसको बुझाना बुझा देना चाहिए, बल्कि इसका इसको हमें प्रोपगेट करना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे, हम लोग जितने भी हैं बच्चे बड़े, सब इसका फ़ायदा उठा सकें। इट्स वेरी गुड लैंग्वेज एंड एज आई वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट
मेजर वर्क्स ऑफ इंग्लिश ऑफ एनी लिटरेचर, इवन संस्कृत ट्रीटीज आर हैव बीन यू नो ट्रांसलेटेड, और उर्दू इंग्लिश वट एवर, गुरुमुखी, इंडियन लैंग्वेजेस, जो भी बुक्स हैं ना हमारी इंग्लिश की, बड़ी अच्छी अच्छी बुक्स रही हैं, वो भी ट्रांसलेट कर ली गई हैं इंग्लिश में, इसलिए लोग जान पाए इसको कि भाई इंडिया इंडिया में भी एक विज्ञान, मतलब ज्ञान का और विज्ञान का भंडार है. क्यों? क्योंकि वो समझ पाए, वो पढ़ पाए, वो जब उनका जो जो वर्क था हमारा संस्कृत में, हिंदी के अंदर जब ट्रांसलेट किया गया इन इंग्लिश, ओनली देन दी अदर पीपल कम टू नो अबाउट द वैल्यू ऑफ आर ज्ञान, ऑफ आर नॉलेज. ठीक है, सो दैट्स वॉट. अच्छा, इसमें अगेन एट द एंड ऑफ दिस यू नो पैसेज वी हैव सम स्लाइड्स कंटेनिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैराग्राफ फॉर योर कॉम्प्रिहेंशन. तो इसको भी अटेम्प्ट कीजिए आप, और जो भी इसमें आपके ऑप्शन हैं उसको आप नीचे कमेंट बॉक्स में मार्क कीजिए, ए बी सी डी करके, तो उसको हम चेक करेंगे और आपको बताएंगे कैसा है. तो ये मुझे लगता है कि 3 स्लाइड्स आर देयर, यस 3 स्लाइड्स आर देयर. तो आप इन सबको पढ़िए और उसका जवाब दीजिएगा उसमें कमेंट्स बॉक्स में, उसको चेक किया जाएगा, तो उससे आपका इम्प्रूवमेंट होगा कॉम्प्रिहेंशन का. तो थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ, बाय.